हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक टाइट्रेशन का इंट्रोडक्शन लिया और प्रिंसिपल बताया था और क्या कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक टाइट्रेशंस हो सकते हैं, यानी कि उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम उसके आगे की बातें डिस्कस करेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक टाइट्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद मेटल आयन इंडिकेटर्स। तो मेटल आयन इंडिकेटर्स होते क्या हैं? देखिए, नॉर्मली हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे क्योंकि हम टाइट्रेशन करने वाले हैं तो हमें एंड पॉइंट डिटेक्ट करना है। अब एंड पॉइंट डिटेक्ट करना है तो हमें कोई इंडिकेटर चाहिए, ठीक है। अब इंडिकेटर कैसा होना चाहिए? डेफिनेटली जो कुछ कलर शो करे, क्योंकि एंड पॉइंट डिटेक्ट करने वाले हैं हम। तो कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन के केस में हम लोग कौन से टाइप के इंडिकेटर यूज़ करते हैं? मेटल आयन इंडिकेटर। डेफिनेटली एक ऐसा कुछ हमारे पास इंडिकेटर है जो कि जिसमें कहीं ना कहीं मेटल आयन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेटल आयन जुड़ा हुआ है इसीलिए इसको मेटल आयन इंडिकेटर बोल रहे हैं, करेक्ट। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन है तो डेफिनेटली हमें ऐसा इंडिकेटर चाहिए होगा जो हमारे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, फॉर एग्जाम्पल EDTA हमने लिए रखा है तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा हो। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से रिएक्ट कौन कर सकते हैं? जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने वाले मेटल्स हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें इंडिकेटर भी ऐसा ही लेना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर मेटल आयन इंडिकेटर लिया है। तो इनको हम मेटल आयन इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, मेटल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, मेटेलोक्रोमिक इंडिकेटर्स। मेटेलोक्रोमिक इंडिकेटर्स का मतलब हो गया ऐसे इंडिकेटर्स जो मेटल आयंस के साथ क्रोमिक मतलब कलर देते हैं, तो मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर्स भी कहलाते हैं। PM इंडिकेटर्स, एक डेरिवेशन में भी आपको करके दिखाऊंगी, माइनस लॉग ऑफ मेटल आयंस हम अगर ले लेते हैं, जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ PM कहाँ से आया उसकी हम बात करेंगे, तो इनको इसलिए PM इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। और ये एक टाइप की डाइज होती हैं जो कि एक मेटल ऑफ के प्रेजेंस में कोई और कलर देती हैं या फिर कलर नहीं देती हैं, और एब्सेंस ऑफ मेटल में ये दूसरा कलर देती हैं। यानी कि क्या है कहने का मतलब कि ये जिस मेटल से अटैच्ड हैं, ठीक है, तो इसका कलर कुछ और होगा इस वाले का, और जब ये मेटल इससे अलग हो जाएगा EDTA के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये अकेला बचेगा मेटल आयन इंडिकेटर, तो इसका कलर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट कलर, और यहाँ पर दूसरा कलर होगा, ठीक है। तो यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल आयन ये दूसरा कलर दे रहा है और इन द एब्सेंस ऑफ मेटल आयन ये दूसरा कलर दे रहा है। और यही खासियत है कि जैसे ही क्या होता है, एंड पॉइंट आता है, तो एंड पॉइंट पर जो हमारा मेन मेटल आयंस जिसको हम डिटेक्ट कर रहे थे उसके साथ जब EDTA रिएक्ट कर जाता है और ज़रा सा भी एक्सेस ऑफ EDTA आपके सॉल्यूशन में जब आता है तो वो इस मेटल आयन इंडिकेटर से इंटरैक्ट करता है और इंडिकेटर अलग कर देता है और मेटल आयन के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, करेक्ट। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा जैसे ही, वैसे ही क्या हो जाएगा, दूसरा कलर हमें दिख जाएगा। हमें पता चल गया कि हमारा मेटल आयन इंडिकेटर ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब कि हमारा एंड पॉइंट आ गया है। फिर से क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम, मेटल आयन इंडिकेटर भी आपके सैंपल में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जब हमने सैंपल में मेटल डिटेक्ट कर रहे थे, कोई दूसरे मेटल डिटेक्ट कर रहे थे, ठीक है, ये तो ये वो वाले मेटल्स हैं जिन्हें हमें डिटेक्ट करना था, ठीक है, और ये वो वाले मेटल हैं जो मेटल आयन इंडिकेटर के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, MI, इसको ऐसे ले देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही सिस्टम में प्रेजेंट हैं, ऊपर से क्या है, EDTA ऐड किया जा रहा है, EDTA ऐड किया जा रहा है, तो EDTA पहले इस मेटल आयंस जो कि हमारे हमें डिटेक्ट करना है उससे रिएक्ट कर रहा है जाके। ऐसा क्यों हो रहा है? और मेटल आयन इंडिकेटर अपना कलर एकदम से नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इससे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा होगा? तो देखिए, रिएक्ट तो दोनों से करता है, लेकिन क्या है, इसके कंपेयर में ये जो मेटल, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एम
EDTA वाला जो कॉम्प्लेक्स, यानी जिस जो भी हम डिटेक्ट करने वाले हैं मेटल, उसका जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो इस वाले कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो पहले फॉर्म होगा। यानी कि जब तक ये प्रेजेंट रहेंगे मेटल आयंस इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, ये जो सिस्टम आपका है इस सिस्टम के अंदर जब तक ये फ्री मेटल आयंस प्रेजेंट रहेंगे, ये इंडिकेटर अपना काम करना शुरू नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से। काम तो कर रहा है बेचारा, वो बार बार उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, इसलिए वापस से वो अपना MI फॉर्म में आ जा रहा है। ठीक है, MI फॉर्म में ही वापस से कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे ही ये फ्री मेटल आयंस अपने सारे कॉम्प्लेक्स बना लेंगे EDTA के साथ, मतलब कि जितने मेटल आयंस प्रेजेंट थे फ्री मेटल आयंस जिसने हमें डिटेक्ट करना था, उन्होंने EDTA के साथ जैसे ही सारा रिएक्ट कर गया, अब जैसे ही ज़रा सा भी EDTA एक्स्ट्रा होगा वो इस मेटल आयन जो इंडिकेटर है उसके मेटल के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। इस मेटल के साथ जब वो रिएक्ट कर जाएगा तो हमारा इंडिकेटर जो है वो अलग हो जाएगा और दूसरा कलर शो कर देगा। ये सारा जो खेल है, ये सारा का सारा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है ना, तो स्टेबिलिटी उसकी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब सिर्फ ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई कि रिएक्शन के टाइम पे एंड पॉइंट में यहाँ पे क्या हो रहा होगा। ठीक है, आगे हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये मेटल आयन इंडिकेटर एक बार लिख के देख लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है। तो अगर कोई सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है आपसे, व्हाट आर मेटल आयन इंडिकेटर्स, या फिर व्हाट आर PM इंडिकेटर्स, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो उसकी सारी जितनी भी थ्योरी है आपने लिख दी है, जो भी प्रिंसिपल है इसका कि PM इंडिकेटर्स कैसे काम कर रहे हैं, ये आपने लिख दिया है। उसके बाद आप एक रिएक्शन ये दिखा दोगे कि मेटल इंडिकेटर है, इसका पहले कलर वन है। ठीक है, बाद में ये जो मेटल आयन इसमें से अलग होकर EDTA से अटैच हो जाता है तो दूसरा कलर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कलर टू। कोई भी हो सकता है, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे एक तब हम देख लेंगे कौन से कलर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं। अब हम किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ये जो PM इंडिकेटर की बात हो रही है इसको हमें एक्सप्लेन करना होगा आंसर में अपने। ठीक है, PM इंडिकेटर पूछा है तो आया कहाँ से, उसका एक सिंपल सा डेरिवेशन है, ज़्यादा नहीं करेंगे उसमें। सिंपली क्या होता है, कोई भी जैसे मेटल आयन है प्लस लाइगेंड है, ठीक है, तो वो किसमें मेटल आयन और लाइगेंड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ मिलके ML बन जा रहा है। अब इसका अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसको अगर हम प्लेस करें वैल्यू को और स्टेबिलिटी कांस्टेंट में रखें तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसको रख दिया तो वेयर के इज ए स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, ये लॉग माइनस इस एम को यहाँ ले जाते हैं और के को इधर ले आते हैं सीधे, ठीक है, इक्वल्स टू लॉग ML अपॉन L। अगर हम इसमें से एक को लॉग में ले जाना चाहें ऊपर तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो लॉग के को अगर हम इधर ले जाना चाह रहे हैं तो नेगेटिव लॉग के हो जाता है डिवीजन से जब ऊपर जाता है लॉग करने के टाइम पर, और इसको अगर माइनस लॉग कर देते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है, माइनस लॉग कर दिया तो ML नीचे चला गया, L ऊपर चला गया इस केस में, अदरवाइज यहाँ माइनस लिखते तो एक स्टेप और ले लेते, ये माइनस से प्लस में चला गया माइनस लॉग लेने से, और ये माइनस लॉग M, तो अब ये जो माइनस लॉग M है उसको हम लिख सकते हैं PM, करेक्ट। और इससे भी ज़्यादा अगर लॉग के को हमें PK की फॉर्म में लिखना है तो माइनस लॉग के इक्वल्स टू PK होता है ना, तो एंटी लॉग में हम P लगाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं अगेन PM इक्वल्स टू लॉग L अपॉन ML। अब देखिए यहाँ माइनस करेंगे फिर ब्रैकेट में माइनस लॉग के करेंगे, एक ही बात है ना, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसे डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ माइनस लॉग के की जगह पर
पीके। ठीक है, तो मेटल आयन इंडिकेटर का अगर डेरिवेशन टाइप का आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है, तो पीएम कैसे आया वो इस तरीके से आप डेराइव करके दिखा सकते हो। तो इतना तो आप लिख दोगे मेटल आयन इंडिकेटर जब आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप उसकी प्रॉपर्टीज लिखोगे। ठीक है, मेटल आयन की, तो मेटल आयन सिर्फ देखिए प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या खूबियाँ, प्रॉपर्टीज़ का मतलब हो गया, क्या क्या खासियत उस मेटल आयन इंडिकेटर की होनी चाहिए, जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन जब हम कैरी आउट कर रहे हैं तो हमारा पर्पस सॉल्व हो पाए। तो सबसे पहला जो पर्पस है हमारा कि एंड पॉइंट पे जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी की बात करी हमने, यहीं पे बात की थी। तो इसका मतलब कि क्या है, इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो कंपेयर टू मेटल इंडिकेटर के कॉम्प्लेक्स से स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। यानी कि इन दोनों के केस में देखें, अगर अभी तक तो हमने देखा रिएक्शन जो हम अपना रिएक्शन करा रहे थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करा रहे थे चिलेटिंग एजेंट के साथ में ना, तो वो इस स्टेबल हो रहा था। लेकिन अगर हम इसके और इसके बीच की बात करें, इटसेल्फ इंडिकेटर के बीच की बात करें, तो डेफिनेटली ये भी दो टाइप के कॉम्प्लेक्स हो गए ना, मेटल से डाई अटैच्ड है और यहाँ मेटल से EDTA अटैच्ड है। अगर ये स्टेबल होगा तभी ना आपको एंड पॉइंट अच्छे से दिख पाएगा। ठीक है, अगर ये स्टेबल होगा ज़्यादा तो क्या होगा, MEDTA बनने के बाद वापस से MIN बनना, मतलब इंडिकेटर मेटल आयन बनना वापस से चाहेगा, ऐसा हमने होने नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बने इंडिकेटर वाले मेटल का कि वो ज़्यादा स्टेबल हो कंपेयर टू दिस मेटल आयन इंडिकेटर के कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, तो ये जो डाई है हमारी जिससे मेटल अटैच्ड है उसका जो कॉम्प्लेक्स है वो लेस स्टेबल होना चाहिए, जो हमारा फाइनल जो इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स EDTA के साथ जो फॉर्म हुआ है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये स्टेबल होगा तभी हमारा एंड पॉइंट अच्छे से दिख पाएगा। तो इसको हम डाई मेटल डाई है ना ये एक तरीके की, ठीक है, ये जो इंडिकेटर है ये एक तरीके की डाई है, तो इसे हम डाई मेटल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डाई मेटल कॉम्प्लेक्स जो है केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए पूरे टाइट्रेशन के टाइम पे, क्योंकि जिससे कि ये हमारे कलर चेंज में कुछ डिटेक्शन में प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, ऐसे ही डिसोसिएट ना हो जाए, एंड पॉइंट पे ही डिसोसिएट हो, ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज़ अभी जो मैंने बताया आपको कि डाई मेटल कॉम्प्लेक्स 1:1 कॉम्प्लेक्स में फॉर्म करना चाहिए, जिसका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो वीक होना चाहिए मेटल चिलेट कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, जो हमारा डिटेक्ट कर रहे हैं, जो मैंने अभी ब्लू कलर का बनाया था यहाँ पर, ठीक है, उससे डेफिनेटली कैसा होना चाहिए, वीक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ये वाला, तब ही जाके हम एंड पॉइंट पर डिटेक्ट कर पाएंगे इसे, अदरवाइज वो बीच बीच में हमें इंटरप्ट करेगा। करेक्ट, द कलर कंट्रास्ट बिटवीन द फ्री इंडिकेटर एंड मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इज सफिशेंट, ये वाला और ये वाला, इन दोनों कलर का जो कंट्रास्ट है वो इतना बढ़िया होना चाहिए कि एंड पॉइंट पर आप ऑब्जर्व कर पाओ कि आपका रिएक्शन हो चुकी है। डेफिनेटली इंडिकेटर जो है वो सेंसिटिव होना चाहिए मेटल आयन कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, कलर रिएक्शन जो है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, सेलेक्टिव होना चाहिए जो भी मेटल हम टाइट्रेट करने वाले हैं उसके लिए। और दूसरी चीज़, जो इंडिकेटर है वो कॉम्पीट नहीं करना चाहिए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से। पता चला खींचातानी हुई हो रखी है कि कॉम्पीट इसी से EDTA से ही कॉम्पीट करने लगा हमारा जो मेटल आयन इंडिकेटर है, तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल आयन इंडिकेटर की जो हमें ध्यान रखनी है और मेंशन करनी है आंसर में। अच्छा, एक मज़ेदार बात और है इसमें कि ये जो मेटल आयन इंडिकेटर्स हैं जनरली हैव अ टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि एच आयन डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, मेटल आयन से,
तो अभी हम अगर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल एरिक्रोम ब्लैक टी का एग्जांपल देख लेते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन हुआ होगा, जिसकी वजह से सोडियम मेटल जो है यहाँ पर अटैच हुआ है। तो ये टिपिकली एसिड बेस इंडिकेटर की तरह एक्ट कर रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन देखने को मिल रहा है इसमें, तो एक बढ़िया इंटरेस्टिंग सी बात है ये। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जब मेटल आयन से रिप्लेस कर जाता है, तब इसका कलर जो है, जो डाई का कलर है, वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये एसिड बेस इंडिकेटर की प्रॉपर्टीज़ को भी रखते हैं ये मेटल आयन इंडिकेटर्स, तो ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एरिक्रोम ब्लैक टी का एक एग्जांपल ले लिया, जो कि एक एमआई इंडिकेटर है, मेटल आयन इंडिकेटर है, जो कि न्यूट्रल से बेसिक मीडियम तक, ठीक है, न्यूट्रल से बेसिक मीडियम तक ब्लू कलर का होता है, यानी अगर 7 से 11 तक का लगभग पीएच है तो ये ब्लू कलर शो करता है। एसिडिक पीएच में ये एसिडिक पीएच अगर बात करें लेस देन 5.5 तक की, तो ये रेड कलर का होता है, ठीक है, और अगर हाईली बेसिक पीएच की बात करें तो ये येलोइश ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द पीएच इसका जो नेचर है, मतलब इसका जो सॉरी कलर है, वो चेंज आपको दिखाई देता है। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन जो है, ठीक है, वो उसी तरह से काम करता है जैसे हाइड्रोजन आयन्स का कंसंट्रेशन होता है ना बफर में, पीएच बफर में किसी में, तो उसकी तरह से एक मिमिक कर रहा है। अभी जैसे हम लोग ने एक एग्जांपल भी देखा कि यहाँ पर कैसे ये इंडिकेटर मिमिक कर रहा है एसिड बेस इंडिकेटर से, उसी तरह से इसका जो डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन होना है, वो डिपेंड कर रहा है पीएच के ऊपर, ठीक है। तो पीएच के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका मतलब, इसीलिए अलग अलग पीएच पे इसका जो कलर है वो अलग अलग आपको शो हो रहा है। तो कौन सा इंडिकेटर कैसे पीएच पे कैसा कलर शो कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम अपनी रिएक्शन, जो भी हमें कॉम्प्लेक्सीमेट्रिक टाइट्रेशन करना है और हमारा पीएच कुछ उसका ऊपर नीचे है, मतलब जो भी पीएच है उसको ध्यान में हम रखते हुए इस मेटल आयन इंडिकेटर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि हमें एसिडिक पीएच है या बेसिक पीएच है तो कौन सा कलर देगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, एक शार्प कलर चाहिए, शार्प एंड पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना है कि हमें ऐसा इंडिकेटर लेना है जो हमें शार्प एंड पॉइंट दे पाए, मतलब कि कलर डिटेक्शन कर पाए, हम उसके कलर को अच्छे से विजुलाइज कर पाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड हम उसको देखेंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल्स हैं, मॉडर्न ब्लैक सेकेंड, ये भी रेड टू ब्लू कलर चेंज इसमें डिटेक्ट होता है। सोलो क्रोम ब्लैक टी, इसमें भी रेड टू ब्लू कलर चेंज डिटेक्ट होता है। और ये जनरली जो तीनों ही इंडिकेटर हैं, एरिक्रोम ब्लैक टी, मॉडर्न ब्लैक टी, सोलो क्रोम ब्लैक टी, ये 6 से लेकर 7 की रेंज में हम इन्हें यूज़ करते हैं और वाइड रेंज ऑफ मेटल्स को ये डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब कि ज़्यादातर यही तीनों जो हैं वो यूज़ होते हैं, इनमें से मॉडर्न ब्लैक और एरिक्रोम ब्लैक तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, बिकॉज इससे कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, लेड, मरकरी, इस सारे ही टाइप के मेटल्स को हम डिटेक्ट करने के टाइम पर इन इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे म्यूरिक साइड है, अमोनियम परप्यूरेट है ना, तो ये वॉलेट से ब्लू कलर देता है, लेकिन पीएच रेंज क्या रहती है इसकी, 12 के आसपास जब हमारी पीएच रेंज है तब हम इनको यूज करते हैं। कैटाकोल वॉयलेट है, वॉयलेट टू रेड कलर देता है, वो 8 से 10 की रेंज में यूज़ करते हैं उसको। मिथाइल ब्लू है, 4 से 5 की पीएच रेंज में यूज़ करते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ इसमें, चलिए मैं आपको लिख के बता देती हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आप लोग नोट कर लो अपने पास। तो ये एग्जांपल्स आप कुछ नोट कर सकते हो कि एग्जांपल का नेम
कौन से कलर में कन्वर्ट होता है, किस पीएच रेंज में वर्क करता है और कौन कौन से मेटल्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, मतलब कि कौन कौन से मेटल्स कॉम्प्लेक्सीमेट्रिक टाइट्रेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये थे आपके मेटल आयन इंडिकेटर्स। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आप कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन में एंड पॉइंट डिटेक्ट कैसे कर सकते हो, तो देखिए बच्चों इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड तो आपका हो जाता है इंडिकेटर मेथड फॉर एंड पॉइंट डिटेक्शन, जो कि हमने अभी पूरा ये पढ़ लिया है। दूसरा मेथड हो जाता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए, जिसमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटेक्शन, इसको जस्ट मेंशन कर देंगे बिकॉज ये सिलेबस में नहीं है आपके, तो हम मेथड हम बता सकते हैं कि हाँ हम इसको इंस्ट्रूमेंट से भी कर सकते हैं और एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए हम मेटल आयन इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं, तो मेंशन करने के लिए दैट्स नाउ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी यूज होता है एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन में ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं, कि जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज ईडीटीए, तो आपको उस समय ईडीटीए के बारे में सब कुछ लिखना होगा। ठीक है, तो क्या क्या आप ईडीटीए के बारे में बता सकते हो? लास्ट लेक्चर में मैंने ईडीटीए का स्ट्रक्चर बनाया था, उसको आप बता दोगे। ईडीटीए सेस्क्वेस्ट्रिंग एजेंट होता है, अब इसका मतलब हम समझेंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम चीज़ें ईडीटीए के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली हैं, उनको हमें मेंशन करना है। एक चीज़ हम और मेंशन कर देंगे, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट भी कहते हैं जिसको। सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चिलेटिंग एजेंट जो कि वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है, विद बाई और पॉलीवेलेंट मेटल आयंस। ठीक है, तो बाईवेलेंट के साथ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है और पॉलीवेलेंट मेटल के भी साथ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मेटल आयन अगर बाईवेलेंट है तो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दे रहा है ये, और पॉलीवेलेंट यानी और वैलेंसी भी है तब भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल आयनिक रिएक्शंस नहीं देता है और वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ऐसे एजेंट्स को क्या कहते हैं? सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स कहते हैं। तो अगर सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट की बात होगी तो मेनली हम उसको कहेंगे कि ईडीटीए जो है वो बहुत वाइडली यूज होता है, बिकॉज क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वाटर सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, वो बहुत अच्छी है। क्योंकि क्योंकि मोनो चाहे बाईवेलेंट से ऐड करे चाहे पॉलीवेलेंट से ऐड करे तब भी एक अच्छा सिक्वेस्टरिंग एजेंट के रूप में ये सामने आता है और वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस मिल रहे हैं इसीलिए सिक्वेस्टरिंग एजेंट है। तो और EDTA के बारे में आप ये भी लिख सकते हो कि इट हैज़ लो प्राइस, नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, वेरी स्टेबल सिक्वेस्टरिंग एजेंट है, स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ एनायन होता है विच हैज़ 6 लाइगेंड एटम्स। ठीक है, EDTA चिलेट फॉर्म करता है नियरली विद ऑल मेटल आयंस। ठीक है, तो जनरली ज़्यादातर मेटल आयंस को कवर कर लेता है, इसीलिए हम इसे एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, 1:1 के कॉम्प्लेक्स में, सॉरी 1:1 में ये रेशियो में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने पिछले थोड़ा पहले भी आपको बताया कि एक इंडिकेटर भी हमें ऐसा चाहिए जो कि ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे। ठीक है, और EDTA कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी हमारा ऐसा है जो कि 1:1 में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है ज़्यादातर मेटल्स से, यानी कि एक अगर हमारा EDTA है तो एक हमारा मेटल है। ठीक है, तो इस रेशियो में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। करेक्ट, तो ये सारे पॉइंट्स आप दे सकते हैं EDTA के बारे में। करेक्ट, कुछ और भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हैं EDTA के अलावा, जैसे कि DTPA, डाइथाइलीन ट्राइअमीन पेंटा एसिटिक एसिड।
और EGTA इथाइलीन ग्लाइकॉल बेस अमीनो इथाइल ईथर टेट्राएसिटिक एसिड। एक और एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के एग्जांपल्स हैं ये, जैसे EGTA है तो इथाइलीन डायामीन, सिंपल इथाइलीन डायामीन, ठीक है। अमोनिया भी एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स हैं ये इतने वाइडली मेटल आयंस को, जैसे कि EDTA कर रहा है कि वाइड रेंज ऑफ मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये वाले जो है वो इतने वाइड रेंज ऑफ मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर हम EDTA को ही यूज करते हैं, ठीक है, एथाइलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है मैक्सिमम अबाउट, मैक्सिमम एंड ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। एक इसमें टॉपिक हमारा बचता है मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑल द बेस्ट, बाय।